सूरज से छठा ग्रह शनि एक अद्भुत नजारा है। ये अपनी चमकदार रिंग्स से अलग दिखता है, जो आइसी इले और पथरीले पार्टिकल्सों का एक अद्भुत नजारा है। ये कण छोटे दानों से लेकर बड़े बड़े टुकड़ों तक होते हैं। रिंग्स अलग अलग समूहों में बंटे होते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खासियत होती है। सबसे प्रमुख रिंग्स हैं ए, बी और सी। रिंग्स के अंदर के कण हमेशा शनि के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे एक मोशनशील और हमेशा बदलता हुआ नजारा दिखता है। सदियों से शनि के रिंग्स ने एस्ट्रोनॉमी विदों और सितारों को देखने वालों को समान रूप से मोहित किया है। टेलीस्कोप के जरिए हम इस दूर की दुनिया की एक झलक देखते हैं, जो हमारी उत्सुकता को जगाती है और हमारे अपने ग्रह से परे तलाश करने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देती है। एक ऐसी डिस्क की कल्पना करो जो बहुत पतली हो और एक विशाल ग्रह के चारों ओर घूम रही हो। ये छल्ले ज्यादातर बर्फ से बने होते हैं, जिनमें चट्टान और धूल के अंश होते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक ये छल्ले एक टूटे हुए चांद या धूमकेतु के अवशेष हैं, जो शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण बलों से टूट गए थे। ये छल्ले छल्लों और अंतरालों की एक जटिल प्रणाली है, जो शनि के मूनों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से आकार लेती है। छल्लों के भीतर के कण निरंतर गति में रहते हैं, जो शनि की परिक्रमा अलग अलग गति से करते हैं। इन पार्टिकल्सों के बीच टकराव से लहरें और पैटर्न बनते हैं, जो छल्लों से होकर गुजरते हैं। शनि के छल्लों की खूबसूरती उनके रूप और मोशनशीलता में है। शनि एक विशालकाय ग्रह है, सटीक रूप से कहें तो एक गैस जायंट। यह आकार में पृथ्वी से बहुत बड़ा है, जिसका व्यास हमारे ग्रह से लगभग 9 गुना ज्यादा है। अपने विशाल आकार के बावजूद शनि आश्चर्यजनक रूप से हल्का है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह है। इसका मतलब है कि अगर आपको इतना बड़ा बाथटब मिल जाए तो शनि उसमें तैरेगा। शनि सूर्य से बहुत दूर स्थित है, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ तापमान बहुत कम होता है। इसके अद्भुत छल्ले, घूमते तूफान और दिलचस्प चंद्रमा इसे अन्वेषण और खोज के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं। शनि एक एस्ट्रोनॉमीय राजा है, जिसके पास मूनों का एक विशाल और विविध दरबार है। 80 से ज्यादा मूनों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। सबसे बड़ा चांद टाइटन एक घने नाइट्रोजन युक्त वातावरण में डूबा हुआ है, और माना जाता है कि इसमें कार्बनिक अणु है। एनसेलेडस एक छोटी आइसी इली दुनिया है, जिसमें गीजर हैं, जो एक उपसतह महासागर का सुझाव देते हैं, जो संभावित रूप से जीवन के लिए रहने योग्य है। शनि के चंद्रमा सक्रिय दुनिया है, जो गुरुत्वाकर्षण बलों और एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत से आकार लेते हैं। उनके विविध परिदृश्य और जीवन को आश्रय देने की क्षमता उन्हें भविष्य के अन्वेषण के लिए प्रमुख लक्ष्य बनाती है। शनि का वातावरण हल्के पीले और सुनहरे रंगों का एक घूमता हुआ कैनवास इसकी अशांत प्रकृति का प्रमाण है। ग्रह के चारों ओर भयंकर तूफान आते हैं, जिनमें इसके उत्तरी पोल पर हेक्सागोनल तूफान भी शामिल है। अपने बादलों के नीचे शनि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तीव्र दबाव और गर्मी इन गैसों को एक अजीब धात्विक अवस्था में बदल देते हैं, जो शनि के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यह चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को सूर्य से आने वाले आवेशित पार्टिकल्सों से बचाता है और शनि के छल्लों और मूनों के साथ परस्पर क्रिया करता है। ये परस्पर क्रिया शानदार ऑरोरस बनाती है, जो ध्रुवीय आसमान को रोशन करती हैं। शनि ग्रह रिंगों वाला अजूबा सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। इसकी अलौकिक सुंदरता, जो नग्न आंखों को भी दिखाई देती है, ने दुनिया भर की संस्कृतियों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। आधुनिक खगोल विज्ञान ने इसके छल्लों, वातावरण और मूनों के जटिल विवरणों का अनावरण किया है।
फिर भी शनि के पास अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो हमें और तलाशने के लिए कहते हैं। इसके छल्लों की उत्पत्ति, इसके वातावरण की मोशनशीलता और इसके मूनों पर जीवन की संभावना हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाती है। शनि एक दीपस्तंभ है जो हमें अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के रहस्यों का पता लगाने, खोज करने और उन्हें उजागर करने के लिए कहता है।